नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन, संपत्ति, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः उस आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम स्मरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। यहाँ हमारा पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद।